हाय स्टूडेंट जी, आईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की हाँ क्लास हम लोग सीखने वाले हैं बोलिए एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान दें। देखो, यह जो मार्कशीट हमने लिखा है वह लिखा हाई स्कूल मार्कशीट। क्या लिखा है? हाई स्कूल मार्कशीट, मतलब आप चाहोगे तो जो मार्कशीट बनाने का जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ वह हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो या ग्रेजुएशन का हो या किसी भी एग्जाम का हो, अगर वह एक मार्कशीट है तो बनाते वक्त कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वही आज के क्लास में सीखने वाले। देखो, इसके बहाने आपके टास्क कंप्लीट में समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग सीखे सर क्या पढ़ाए थे, मार्कशीट बनाना। किसका? तो हाई स्कूल का। प्लस आपको कई सारे फार्मूले भी आ जाएंगे, और वो फार्मूला केवल मार्कशीट में नहीं काम करेंगे, कई सारे कार्यों के लिए कार्य करेंगे। तो आज अगर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट तो ऐसे ऐसे कई सारे टास्क देखेंगे, और हर एक टास्क पे हम लोग एक एक करके स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और लगभग मेरे पास 15 लोगों का डाटा है, और हमारे यहाँ 15 लोग एग्जाम दिए थे, मैंने उनका नाम भी लिखा है। यहाँ तो क्लियर है? और जो जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर पाया है वो हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने नंबर भी ऐड किया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। ऐसे टेबल बना भी लेंगे और नाम भी लिख लेंगे, नंबर भी टाइप कर देंगे। हाँ, इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक यह सब फार्मूले से निकाला गया है, यह हटा देते हैं अब। कुल मतलब अपने कॉपी से हटा देना, ठीक है? मैं हटा के बता रहा हूँ, मतलब यहाँ तक तो आपको लिखना पड़ेगा मैनुअली, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद आ रहा टॉपिक हमारा ओबीटी मार्क, मीन्स हम चेक करना चाहते हैं कि कौन है स्टूडेंट कितना नंबर पाया, ठीक है? कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर पाया यह चेक करना हो। इसके लिए आपको बताओ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन कितना नंबर पाया है। तो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया है कि एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है, चाहे 1% का निकालना हो, चाहे 2% का, या 100 या 200, एक लड़की का अगर निकाल देंगे अपने आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबका निकाल। तो पहला तो एक लड़के का निकाल दे, टोटल नंबर जोड़ ले, तब तो सबका निकालेंगे तो सबका निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। चलो, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो इक्वल लगाना पड़ेगा। अब इक्वल क्यों लगाना पड़ेगा? क्यों जोड़ना है? एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले इक्वल साइन का प्रयोग करना होता है, और चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना करना हो, या गुणा करना हो, उससे मतलब नहीं है। फार्मूला लगाओगे तो आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आते हैं, और आने के बाद से हम जोड़ के दिखाते हैं। तो देखो, जोड़ने का 4 तरीका बताऊंगा, ठीक है? अब चारों में जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करिएगा, और चारों में लिखवा भी दूंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये बैठा रहता, बुलाना पड़ता, आ जाओ।
इक्वल तो क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम हिंदी से लेके और सेलेक्ट करके और कहां तक ले जाएंगे जी, तो लिखा C11 H11, तो सी मतलब कॉलम है, और सी वाले कॉलम में क्या नंबर है 96, 11 मीन 86, इतना मारेंगे तुमको। ये बताएं जो मर्जी तो बोलोगे, यहाँ पे 11 क्या बोलो तो रो का संख्या बता रहा है कि आप C11 से लेके H11 तक सेलेक्ट किए हो, ठीक है, तो इसके बीच जितना रेंज है वो टोटल सेलेक्ट हो गए। तो एक बात सुन लो और समझ लो और ध्यान दो, अगर केवल आ गया C11 कामा D11 कामा E11, तो समझ जाओ कि सी वाले को खोजेगा, डी वाले को खोजेगा और ई वाले को खोजेगा, तो ऐसे अगर छोड़ छोड़ के निकालना हो तो ऐसे लगाना पड़ेगा, और हम सोच रहे नहीं, एक रेंज के हिसाब से लेके चलना है, इसके हिसाब से रेंज के हिसाब से लेके चलना है, तो जब रेंज के हिसाब से लेके चलना होता है तो वहां पे हमेशा कॉलन लगाते हैं, इसीलिए लगाया C11 कॉलन H11, यह सेल का रिफरेंस, बोले यहां से लेके और यहां तक पूरा सेलेक्ट कर, लेकिन अगर बीच में छोड़ छोड़ के करना हो, सी वाला करना है तो C11, इसे ई वाला करना है तो E11, ठीक है, यफ वाला करना है तो F11, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए कामा लगाना, अच्छा पूरा एक बार में रेंज लेना है तो कॉलन लगाना, क्लियर है, तो इसीलिए आप देखो C11 कॉलन H11 जी। चलो आते हैं, बड़ा करते हैं, बंद इंटर, कितना गया, पानी लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे ओबीटी मार्क यहाँ पे आ गया, और आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक नंबर जोड़ दिया गया है, और टोटल यह 386 नंबर पाया है, अब सबका निकालना है, तो इसके लिए आप कोने पे आओगे, क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सबका निकल के चला है। तो जो डाटाबेस बनाया जाता है ना, कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, सब डाटा एक जगह बना के उसको साइड से लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते, तो जब एक रोल नंबर डालते हैं तो एक ही लड़के का दिखाई देता है, वही साइड पे डालते जाए तो परेशान हो जाएंगे, तो फार्मूले यही सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप बताओ, अगर जोड़ना है तो जोड़ लोगे, कोई दिक्कत तो आया हो जाएगा, बोलो मैं कितना क्यों इतना सकरवाता हूँ, सुनाया हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा दिक्कत है तो बताइए आपने, ठीक है, दो चार बार बोलते हो उससे पता चलता है सही या गलत है, ठीक है, तो यह कर ले जाएंगे, ये पहला तरीका है। अगर मैं कह दूं कि कोई और तरीका हो तो वह कैसे करेंगे, तो चलो एक तो आम भाषा वाला जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, क्या इक्वल
और जिसको जिसको जोड़ना है सेलेक्ट कर दो 96। उसके बाद प्लस क्या साइंस वाला जोड़ना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्लस 8 वाला जोड़ना है, इंटर। क्या समय है? प्लस प्लस का यूज वहां पर करेंगे जब रेंज ज्यादा हो और उसमें से किसी किसी वैल्यू को जोड़ना हो। उधर सवाल आ रहा है समाजी, क्या समय आया? मतलब वैल्यू ज्यादा है और हमसे, जैसे मान लो कितने लोग तुम लोग हो, तो हमसे कोई कह दिया कि सबका फी अमाउंट जोड़ दो कि कितना रुपये बकाया है, तो सब लगा दिए, निकल के चला आया। लेकिन अब कह रहा नहीं, रमेश का, सुरेश का, बबलू का जोड़ के बताओ। तो आप बताओ, उसके लिए सब लगाएंगे तो दिक्कत होगी ना, रेंज पूरा सेलेक्ट करें दिक्कत होगी ना, इसलिए क्या करेंगे, इक्वल प्लस, तो 3 लोगों का चाहिए, 3 लोगों का सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे, आ जाएगा। अब सवाल यह, क्या सर अगर प्लस लगाए हो जो, वो आप क्या अगर सम से करे तो नहीं होगा? होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? जो प्लस प्लस किए थे वो आप काम आ काम कर, जो अभी मैंने बताया आप। देखो इसका भी 183 आया ना, अगर वो ऐसे भी कर ले तो इक्वल सम ब्रेक इट ओपन, और हिंदी कामा मैथ कामा सोशल साइंस ब्रैकेट बंद इंटर। अरे हम 8 दूसरा लिए, सोशल साइंस वाला लिए हैं, उसमें 8 वाले लिए थे। इतना तरीका बताया, चलो 2 और सीखते हैं। तीसरा इक्वल सम, कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे C11 कॉलन C11, अपने आप सेलेक्ट हो गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं है, ब्रैकेट बंद इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप। हो जाएगा। और पांचवा बहुत इजी है, लेकिन वह वहां पे इस्तेमाल करना जहां पे केवल एक भी वैल्यू को छोड़ना ना हो। बस सिंपल है, क्या दबा दो, अल्ट के साथ इक्वल, बस इंटर आ गए। यार ध्यान दो जो बोल रहे हैं, अल्ट के साथ इक्वल इंटर जी है। अरे बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां से अगर मन नहीं कर लगाने का, तो एक और तरीका है, ठीक है? कहाँ से जाएंगे, यहीं पे एडिटिंग में आएंगे और यहीं पे का ऑप्शन आता है ऑटो सब, दे रहा है, बस क्लिक कर देंगे आ जाएगा। तो लेकिन ये सब मैं इसलिए बताया हूं, सबका कंसेप्ट अलग अलग है, मतलब जोड़ता तो सभी है लेकिन जब तुरंत जोड़ना हो, अब इधर बीच में कुछ छोड़ना नहीं है, तो
वहां से सबसे अच्छा क्या है, अल्टीकोल, ठीक है। जहां पर रेंज हमको बताओ यहाँ से यहाँ तक, वहां पे सबसे बेटर है सम, ठीक है। सम, सम में कई तरीका बताया हो, और जहां पे छोड़ छोड़ के जोड़ना हो वहां पे प्लस प्लस सबसे अच्छा, या तो कामा करिए, मतलब जो भी इस्तेमाल करो जो आपको अच्छा लगे आपके ऊपर है। मैं चारों तीनों चारों तरीके बता दिए, लिख लो। वह टोटल मार्क, तो टोटल मार्क तो सबको पता है, 600 ड्रैग एंड ड्रॉप, सब में 600, ये फॉर्मूला को लगाना नहीं है, 600 600 आ जाएगा। बोलो सर। चलिए, अब निकालना इस नंबर के हिसाब से कितना परसेंट पाया है, ये लिखवाया था कभी? चलिए तो कितने लोग निकाल लेंगे हाथ उठाए, एक दो तीन, अरे गधा एक बार उठाओ, जितने लोग परसेंटेज निकाल लेंगे हाथ उठाओ, बस सर नीचे करो, और सब लोग क्या करेंगे बोलो। और सब लोग नहीं परसेंट निकाल पाएंगे, आप कहें मैं अच्छे से नहीं पढ़े हम, तो मैथ पढ़ने या ना पढ़ने क्या मतलब इसमें, हाई स्कूल तो पढ़े होगे कि हाई स्कूल बाद निकाला जाता है परसेंटेज, क्या बोलो। मैंने बोला है कौन कौन परसेंटेज निकाल लेगा, तो अभी भी इसमें भी विश्वास अपने आप पे नहीं है, तो चार लोग हाथ उठा रहे, तो चार लोग नीचे किए, तो चार लोग बोलेंगे। हाई स्कूल सभी लोग पास करके आए हो ना, तो हाई स्कूल तो मैथ पढ़े होगे ना, डिग्री भी कर पढ़े थे, तो भी कोई बात नहीं, जो उससे होगा तो ये 8 तक तो पढ़े होगे, तो परसेंटेज निकालना 8 के बाद पढ़ा जाता है, तो पढ़ाया जाता है ना, वही जो पूछा हो कैसे निकलेगा, पता नहीं सर जी निकाल लेंगे हम, ये कह रहे थे पता नहीं कंप्यूटर में कैसे निकलेगा, हम तो मैनुअली निकाल लेंगे। चलो अच्छा बढ़िया, ऐसे पढ़ाई करो, परसेंटेज निकालना नहीं आता। चलिए परसेंटेज ऐसे हम लोग कॉपी भी निकालते हैं, सेम हम लोग कंप्यूटर भी ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, समझ जाओ। परसेंटेज जैसे हम लोग अपने कॉपी भी निकालते हैं, सेम वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे, बस यही है वहां पे कट पिट ज्यादा करना पड़ता है, काटो कैलकुलेशन करो तब वैल्यू लिखो, भाग करो तब वैल्यू लिखो, और यहाँ पे अपने आप बस कंसेप्ट बता देंगे, जो हम रूल लगाते हैं, ठीक है, ओवीटी मार्क इनटू 100 डिवाइड बाई, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है, वो कंसेप्ट बता देगा तो अपने आप कट फिट करके वो अपने बता देगा परसेंट की बता। एक तो रूल हम लोग कराता है जी, क्या रूल होता है जी, ओबीटी मार्क, ओबीटी ठीक है, ओबीटी मार्क रहता हम लोग का, ओबीटी मार्क, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, डिवाइड बाई टोटल मार्क जो भी हो, ठीक है, तो हमारा जो है वो देख लेंगे कितना नंबर है, 386 इनटू 100, इसके बाद डिवाइड बाय 6 क्या कर देंगे, हां 600 भाग दे देंगे, आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ध्यान देना, वो निकालना है तो यहाँ पे तो मैनुअली करना पड़ता है, वो काम हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, यही मैं लगाने वाला हूँ, इक्वल ओबीटी मार्क इंटू 100 डिवाइड बाई 600, 64% ड्रैग एंड ड्रॉप, आगे सबका बोलो। तो ये तरीके हैं, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, या यूं ऐसे भी दिमाग लगाते हैं कई लोग, ऐसे भी कर लेते हैं, इक्वल ओबीटी मार्क डिवाइड बाई 6,
कर रहे हो, कर लोगे ना, मतलब पहले ही मन में ही काट दिया उसको, डबल जीरो और डिवाइड बाई सिक्स कर दिया, ठीक है। तो वैसे अगर मान लो 500 करा था तो 5 कर देते, ठीक है। अग्रेजेशन करा था तो 18 कर देते। अब जैसे जैसे है बस टोटल नंबर देख लो कितने का, उसी से भाग दे दो, ठीक है। बार बार जीरो जीरो काटने की जरूरत भी नहीं है, हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए सभी लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, इसके लिए फार्मूला है, लिख लो। इक्वल ओबीटी मार्क इनटू 100 डिवाइड बाई टोटल मार्क इक्वल 386 इनटू 100 डिवाइड बाई 600। कितना आया था बैलू जी? ठीक ठीक। दूसरा भी तरीका है, इक्वल ओबीटी मार्क डिवाइड बाई 6।